हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम खेलने वाले गैंगस्टर वेगास, और गैंगस्टर वेगास का ये दूसरा एपिसोड। अगर आपने पहला एपिसोड ही देखा है तो अभी उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो अभी जाके चेकआउट करिए, फिर उसको देखिएगा। तो गाइस, आज मुझे वेरा ने मिशन दिया है, और मिशन बताओ क्या है, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट कार। आज हमें उसकी रॉबरी करनी है, उसको चुरा के ले जाना है। तो गाइस चलते हैं, और फिर उसके बाद मुझे ईमेन ने भी बुलाया है रेस के लिए। जैसे कि पहले एपिसोड वन में मैंने बोला था कि ईमेन ने एक रेसिंग कॉन्ट्रैक्ट किया है, उसमें हमें रेस जीतनी है, तो कार रेस। बट लेकिन पहले हम बस अब बाइक की रॉबरी करेंगे। भाई वो बाइक क्या बाइक है भाई, इतनी फास्टेस्ट बाइक क्या बताऊँ। और हाँ, वो बाइक चुराने के लिए बहुत ही सिक्योरिटी है भाई, और बहुत ही सिक्योरिटी है वहाँ पर, पुलिस का वो है। उसको चुराते ही भाई काफ़ी पुलिस पड़ जाएगी हमारे पीछे, हेलीकॉप्टर ये सब पीछे पड़ जाएंगे हमारे। तो देखते हैं उसको हम कैसे चुराते हैं उस बाइक को। It was at this moment that he knew he fucked up. बहुत पुलिस वाले और कर ले और उली कर ले, मतलब पुलिस वाला हट नहीं रहा था। तो देखो कैसा पड़ हुआ है। जैसे कि मैं उस बाइक को जैसे मैं रॉबरी करूँगा, चुराऊंगा, तो एकदम मेरे पीछे फुल स्टार पड़ जाएंगे। तो गाइस चलते हैं, और सुपर उसके नीचे चाहिए वेगास, और कार मुझे मिल चुकी है। ओ भाई सॉरी, मैंने पुलिस वालों के सामने एक कार को चुरा लिया। बट लेकिन जल्दी से मुझे वन स्टार है, वन स्टार तो काफ़ी आसानी से हट जाएगा, तो वही वन स्टार में काफ़ी आसानी से हटा दूंगा। और गाइस तो यहाँ पर काफ़ी संभाल के चला रहा हूँ गाड़ी, ताकि और देखो यहीं पर ये देखो मुझे वेरा ने मुझे उसकी लोकेशन भेज दी है जहाँ पे वो बाइक है। तो उसी लोकेशन पे हम चलते हैं, यहीं कहीं लोकेशन है, यहीं कहीं वो बाइक होगी बस। बट लेकिन भाई बाइक वो बाइक है काफ़ी ख़तरनाक बाइक होगी, वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट बाइक होगी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हैं, ये रही वो बाइक। ओ मतलब ये क्या, मतलब बाइक देख के फिसल गया यार। जी सर, देखो गाइस क्या बाइक है यार, दुनिया की सबसे फास्टेस्ट बाइक भाई, देख रहे हो कितनी ख़तरनाक है। और गाइस ये सही से पीछे मुड़ भी नहीं पाती, इतनी फास्ट है इस बाइक है, इसके हैंडल तो पता भी नहीं किधर है। तो गाइस चलिए तो इसे जल्दी से चुरा के भागते हैं। और जो ओ गाइस यहाँ पे देखो पुलिस कितनी, चार स्टार की पुलिस पड़ चुकी है, और जल्दी से निकलते हैं। ओ गाइस भाई गाइस की स्पीड कितनी तेज है, कितनी दीवानी इसकी स्पीड है। तो गाइस जल्दी से मुझे जल्दी चार स्टार हटाने होंगे, तो जल्दी पहले चार स्टार हटाते हैं यार, बस काफ़ी मुश्किल होगी। बट लेकिन जाओ भाई इसकी स्पीड देखो, ओ शेट, ये देखो पूरी तरह से मेरे पीछे पुलिस पड़ चुकी है, हेलीकॉप्टर से टैंक से सब कुछ आ चुका है भाई। चार स्टार काफ़ी कम बात नहीं होती, और गैंगस्टर वेगास सिटी में, क्योंकि मैं तो नया हूँ, तो और मेरे ऊपर सुपारी और दी गई है। ओ बच गए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बाइक में बचाने से पहले मैं इसको तोड़ ही दूंगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पर लेके आते हैं गाइस, और शायद आई थिंक यहाँ से थोड़ा कम, तो गाइस यहाँ पर मेरे स्टार हट चुका है उस पर। बट लेकिन यहाँ पे एक ऑफिसर है, अरे भाई संभाल के कभी दोबारा स्टार कर रहा गाइस। तो काफ़ी मैंने यहाँ पे स्टार हटा चुके हैं, पुलिस हमारा पीछा नहीं कर रही है, अब हम सेफ हैं। अब हम मैं बाइक में ज़रा घुमा लेता हूँ भाई, बहुत फास्ट बाइक है। तो गाइस मुझे अभी ईमेल ने बताया है कि मैं जो बाइक मैंने रॉबरी करी है, मैंने जो बाइक रॉबरी करी है उसे मैं जाके सेल कर सकता हूँ, और उससे मैं पैसे अर्न कर सकता हूँ, क्योंकि ये बाइक मैं रख नहीं सकता। तो मैं यहाँ पे गैरेज है, गैरेज सेल कर सकते हैं। ये रे मुझे कुछ यहाँ पे 70,000 जी मिलेंगे, $70,000 जैसे कि। तो गाइस मैं चाहता हूँ इस बाइक को सेल कर लें, और गाइस जब तक इस बाइक का मज़ा ही ले लेते हैं भाई, फुल स्पीड में भगाएंगे बिना किसी रेट, बस हाईवे पर भगाएंगे, रोड स्ट्रेट होना चाहिए, सॉरी स्ट्रेट रोड होना चाहिए, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। तो देख गाइस देखो रे कितनी हल्के हल्के मुड़ते, क्योंकि भाई भारी बाइक है भाई, बहुत रेयर बाइक है यार, यहाँ पे मिलेगी भी नहीं ये बाइक, और हमने इसको बाइक को चोरी किया है। बहुत फास्टेस्ट बाइक है यार, मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रही है यार, इतनी फास्टेस्ट बाइक है देखो। और यहाँ पे गोली गोली चल रही है क्या भाई, पता नहीं। हाँ पता है यार, गैंगस्टर की सिटी है पूरी, ये मानते हैं सब गैंगस्टर के अंडर काम का, तो पता है गोली से बताने की ज़रूरत नहीं है। गाइस इस बाइक की स्पीड, ओ हो गाइस वो तो मैं फुल तरीके से नहीं चला रहा हूँ, वरना ये ठुक जाए पूरी गाड़ी। बट लेकिन यहाँ पर देखो वो लोकेशन मिल चुका है, वो गैरेज जो है वो यहीं कहीं है, देखो ये रहा गैरेज आ चुका है, जहाँ पे हम इस बाइक को सेल करने वाले हैं, उससे पैसे अर्न करेंगे, कुछ 70,000 मिलने वाले हमें। तो गाइस यहीं पे एक गैरेज है जहाँ पर अपनी बाइक को सेल करेंगे हम। तो देखो ये रहा वो गैरेज, यहाँ पर अपनी बाइक को सेल कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो $70,000 मिलेंगे, मतलब 70,000 जी। तो गाइस देखने से पहले अपनी बाइक को थोड़ा देख लेते हैं यार, दुनिया की फास्टेस्ट बाइक है यार, सबसे तेज़ चलने वाली बाइक,
भाई रेयर बाइक है, इतनी मुश्किल आसानी से थोड़ी मिलेगी। इसकी ज़रा साउंड सुनाता हूँ यार, क्या इसके इंजन की साउंड, ये देखो हो भाई क्या साउंड है इसके, अलग ही भाई अलग ही। ओपी ओपी भाई, ओपी बाइक है बिल्कुल, ओपी भाई बहुत गदर बाइक है यार। बट लेकिन टेंशन ना लो, अपन भी ऐसी बाइक लेगा अपने लिए, अपनी परचेस करेगा खुद अपने पैसों से। बट ये बाइक लेना अपने को बनता नहीं है, क्योंकि गाइस ये धंधे का चीज़ है, धंधे का घर में रखना सही नहीं है। तो इसलिए चलो, तो हम इसको बाय कर देते हैं, और मैंने इसे सेल कर दिया, सॉरी सेल कर देते हैं, मैंने इसे सेल कर दिया। मैं 70,000 कुछ डॉलर 70,000 डॉलर मिल चुका है। तो गाइज चलिए, तो गाइज जैसे कि अभी हमने बाइक हमने सेल कर दी है अपनी बाइक, और कुछ हमें 70,000 डॉलर मिल चुके हैं। तो अब ई मैन ने मुझे कॉल करके कहा है कि यहाँ पर एक मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, जो हमें रेसिंग का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब मुझे अब उसके ई मैन के पास जाना होगा। ई मैन कुछ थोड़ा ही दूर है, काफ़ी दूर, बट लेकिन उतनी दूर है तो उसके लिए मुझे व्हीकल्स लेनी पड़ेगी, और व्हीकल्स हम चुराने में काफ़ी माहिर है, जैसे कि हम गैंगस्टर बनने ही भरने वाले हैं। फिलहाल अभी नहीं टाइम लगेगा, तो हमें एक कार मिल चुकी है, तो चलो तो इससे ही चलते हैं ई मैन के पास। और ई मैन एक लड़की से मिलाएगा, जिसका जो वो उसके साथ हम रेस करेंगे गाइस। वो देखते हैं वो जीतते हैं जीतते, तो हम चलते हैं ई मैन के पास गाइस। और कार से याद आया, मैं बाइक और कार दोनों लूँगा, अपने ही लूँगा गाइस, अपने पैसों से। ओहो क्या कार है, टेंशन लो भाई ऐसे ही कार लेगा। और गाइस थोड़ा यार हम संभल के चलाते हैं, क्योंकि भाई थोड़ा सा सही देख के चलना पड़ता है गाड़ी को, ये नहीं कि ठोका पीटी मचा दो। गैंगस्टर हाँ मानते हैं गैंगस्टर हैं, बट लेकिन ये थोड़ी ना है कि बिल्कुल ठोका पीटी मचा दो। तो गाइस हम ई मैन के पास जा रहे हैं, तू पीछे चल ले, मानते हैं तेरी गाड़ी भाई, देख के इंडिकेटर तो देते भाई, अगर तुझे लेफ्ट मुड़ना है तो। गाइस हम यहाँ पे ओ अरे भाई जेसन क्या कर रहा है यार, जेसन भी बड़ा भाई क्या कर रहा है तू, ओ भाई अपनी तो कोई इज्जत ही नहीं है यार, मैं कर तो रहा हूँ पीछे यार, तुमने बिल्कुल घुसड़ दी भाई। हम आ चुके हैं ई मैन के पास, और ई मैन स्टार्ट योर इंजन। तो गाइस ये रहा हमारा ई मैन, और ये अपनी बाइक अपनी कार लेके खड़ा हुआ है। अच्छा कुछ बताएगा ये, ड्राइव टू द लोकेशन। ई मैन ने हमें एक लोकेशन बताई है, हमें उस जगह जाना है। हमें एक लड़की के साथ, जैसे मैंने बताया था ई मैन ने पहले बता रखा था, हमें एक लड़की के साथ रेस करनी है। तो ई मैन ने हमें अभी एक लोकेशन दी है, हमें उस लोकेशन तक पहुंचना है, और वहां पे होगी हमारी रेस। तो गाइस चलते हैं। अरे ई मैन यार इस कार से रेस मत करियो भाई, चाहे भले कोई सी भी कार ले, बट याली कार मत लियो यार, खटारा कार है यार ये तो। बस भाई वो रही हमारी लोकेशन, वो रही उस लोकेशन में पहुंचना है। बस ई मैन यार ये कार मत, इस कार से रेस मत करियो, बस लोकेशन तक पहुंचने वाले हैं। तो गाइस बस लोकेशन तक हम पहुंच ही गए हैं, और ये रही हमारी लोकेशन, लोकेशन पे आ चुके हैं। और ये रही वो गर्ल जिन, ओ भाई इसकी कार ओपी रेसर रेसिंग कार लग रही है यार इसकी तो ये। ये ईमैन को जानती है लड़की का पहले से ही, इसकी दोस्त है ये, दोस्त या गर्लफ्रेंड आई थिंक। और ये अभी मुझे मिला रहा, हाँ पता है यार। तो गाइस अब हमारी जो रेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। और यार इनकी कार देखो, मेरी कार देख यार, ईमैन क्या कर रहा है, तू बेइज्जती करवाएगा यहाँ पे, कोई अच्छी सी गाड़ी लिया था मेरी गाड़ी को चुरा लेता यार। बट लेकिन कोई बात नहीं, 3 2 1 जेसन दिखा दे। ओ ओ अरे भाई इन्होंने तो धूल चढ़ा, 2 मिनट में भाई थोड़ी सी तो खुशी बना दो। बट ये कोई बात नहीं, हम जीत के दिखाएंगे क्या करें भाई, लुक्स मैटर नहीं करते। तो हम हाँ लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, मैं फर्स्ट पोजीशन पे हूँ और 2 लैप है पूरे। सेकंड पोजीशन पे आ गया यार, शेट ई मैन जल्दी पकड़, नाइस हाँ हाँ ठीक है। ओ भाई ड्रिफ्ट यार, ये गाड़ी क्यों पीछे नहीं हो रही मुझसे भाई, वो गाड़ी तो देख लो और अपनी गाड़ी देख ले यार ई मैन, तू भी मानता हूँ मैं अच्छा ड्राइवर हूँ, बट लेकिन यार एक अच्छी ढंकी सी गाड़ी तो ले आता। अरे 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 ये चलो गाड़ी, मैं फर्स्ट फर्स्ट पोजिशन पर आ चुका हूँ। और ये अरे शेट पे सेकेंड पर आ गया यार, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, फिर से फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं हम। अरे शेड यार ये चीटिंग है यार, पीछे से मुझे ने यार पीछे से पुश किया यार मुझे,
बट कोई नहीं यार, ये तो काफ़ी आगे निकल गई है। तो सेकंड पोजीशन पे हूँ यार मैं, और जो थर्ड, और देखो पीछे एक और गाड़ी आ गई, अगर ये आगे चली गई तो थर्ड नंबर पाया हूँ। ये ओ शिट शिट, थोड़ा, अरे यार ये पीछे से पुश कर रहे हैं यार, तो गाड़ी पूरी राउंड हो जा रही है। अगर ड्रिफ्ट मारूंगा तो यार तो अरे शिट, आगे कुछ वो था यार ग्रिल टाइप का वो लग गया, बट कोई नहीं यार, अब मैं आज हद है यार जेसन तुझसे, और जेसन यहाँ तुझसे हद है यार। थर्ड पोजीशन ला भाई, आखिरी लैब, अरे यार ये मैंने कोई अच्छी गाड़ी ले लेता, और जैसे तू क्या कर रहा है यार, तू उससे ये गाड़ी भी नहीं चली ढंग से, तू अपनी गाड़ी क्या खरीदेगा यार। ये मैंने जो बातें बेइज्जती करवा दी यार, मैं दोस्त के सामने इतनी खटारा बाइक, खटारा कार लेके आके, बट ले कोई नहीं गाइस, हम फर्स्ट पोजीशन पर आ चुके हैं। और गाइस उन दोनों को काफ़ी पीछे छोड़ दिया, ज़्यादा पीछे नहीं है वो, काफ़ी रफ्तार से काफ़ी हमारे पीछे आ रहे हैं, और यहाँ पे हम जीत चुके हैं। यस, ओहो तो गाइस हम जीत चुके हैं, और ये इसकी जो दोस्त है वो हमसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है, ए सरगल। तो गाइस ये लड़की हमें अट्रैक्ट हो रही है, बट कोई बात नहीं। तो गाइस हमें ये रेस हम सक्सेसफुली जीत चुके हैं, और हमें 3 डायमंड मिले हैं। और गाइस मैं ईमेन से तो अब भी गुस्सा हूँ यार, फिर अच्छी से गाड़ी ले लेता यार, अपनी थोड़ी इज्जत बन जाती डोंडिया के सामने, बेइज्जती करवा दी, बट कोई बात नहीं, जेसन अपना बंदा है, ड्राइवर काफ़ी अच्छा। तो गाइस हम फर्स्ट जीत चुके हैं, फर्स्ट पोजीशन पे हम आगे जीत चुके हैं। तो गाइस अब मुझे कैरन का भी कॉल आया, उसको कभी कुछ काम है, मुझे कैरन जो लड़की है काफ़ी मेरी दोस्त जिसने मुझे बचाया था, कैरन का कॉल आया, वो मेरे बुला रही है, तो हम उसके पास जाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज का एपिसोड इतना ही, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ओके बाय।